नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे गेहूं की खेती। तो गेहूं की खेती कैसे की जाए, उर्वरक क्या होना चाहिए, बीज, उसकी जो वेराइटीज़ होती है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती है गेहूँ की, वेराइटी के अनुसार उत्पादन मिलता है, बाद में बोई जाने वाली गेहूँ की फसल, पहले बोई जाने वाली गेहूँ की फसल, और अधिक कम पानी जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वाली फसल, अधिक फसल, ये सारी इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी कि गेहूं की खेती कैसे की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे कि गेहूं की खेती के लिए जलवायु भी चलता है, ये ठंडे मौसम में हो जाने वाली खेती है। जलवायु अगर हम नॉर्मल देखें तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है उस समय ये गेहूं की खेती की जाती है। अब आती है मिट्टी की बारी। तो मिट्टी हम अगर देखें तो चिकनी मिट्टी, या अगर हम जिसे कहें नहरी मिट्टी, नहरी मिट्टी इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये शब्द इसलिए क्योंकि जो पानी को सही मात्रा में सोख ले और फिर नमी बनी रहे, ऐसी जो मिट्टी होती है, तो यानी कि भारी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, जो भारी मिट्टी होती है ना वहाँ पर ये अपना खेती होती है जो गेहूं की, बहुत ही उत्तम मानी गई है। कौन सी, चिकनी मिट्टी, नहरी मिट्टी या फिर भारी मिट्टी की बात चल रही। अब आगे बढ़ते हैं हम सीधे से, ये तो हो गई हमारी मिट्टी की बात, अब आती है प्रसिद्ध किस्में, ठीक है, प्रसिद्ध किस्में और उनकी पैदावार भी बताएंगे हम कि कौन सी किस्म कब बोई जाती है, किससे कितनी पैदावार मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आती है PBW 752, ठीक है, PBW 752 की बात करें हम तो ये देर से बोई जाने वाली होती है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करने का साधन होता है वो ये वाली जो फसल है वो देर से लगा सकते हैं। और ये जो मैंने उत्पादन बताया है मिनिमम, अगर सही जगह नहीं भी है, मतलब हमारे पास मिट्टी ऐसी नहीं है, खेत भारी नहीं है, फिर भी ऐसा मानना है कि अगर पर्याप्त सिंचाई मिले तो 19 क्विंटल गेहूँ प्रति एकड़ से निकल सकते हैं। प्रति एकड़ हम देखें तो मान लो 3 बीघा से 19 क्विंटल, ये ज़्यादा नहीं बताया है मैंने, बहुत कम बताया है, 7 क्विंटल गेहूँ 1 बीघा से हम मार सकते हैं, अगर जहाँ पर ज़मीन सही नहीं है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी है जैसे कि अपना उन्नत हो गई, उन्नत जो भी है ये भी फसल 155 दिन में पकने वाली है, इतना समय तो उनको लगता ही है, और इसकी पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, इसकी और ज़्यादा होती है क्योंकि और ज़्यादा सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आप एक कोरिलेशन होता है कि जितनी अधिक सिंचाई होगी उतनी अधिक गेहूं का उत्पादन होगा, पर वेराइटी के हिसाब से। PBW हो गया हमारा, उन्नत हो गया हमारा, HD भी आता है, और HD 2851 करके जो गेहूं की किस्म आती है वो 126 से 134 दिन में परिपक्व हो जाती है। तो ये थी हमारी कुछ वेराइटी, आपके एरिया में जो अच्छी हो आप वो लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए। तो जो पिछली फसल की कटाई हो जाए, अगर हमारे खेत में जो पिछली फसल थी सोयाबीन हो गया, या आपने कुछ हाइब्रिड लगाया हो, टमाटर मिर्ची हो, ख़राब हो गए हो, निकल गए हो कब, तो उसके बाद अच्छी तरह से ट्रैक्टर की मदद से हमें जोताई करनी है। जोताई कैसे की जानी चाहिए कि गहरी जुताई की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि जो उर्वरक जो नीचे दबे हुए हमारे ज़मीन के उर्वरक, उसकी जो जल धारण करने की क्षमता वाली जो मिट्टी, क्योंकि वो अभी तक यूज़ में नहीं आई है, ऊपर वाली मिट्टी तो हमने यूज़ कर ली है, लेकिन हम जब गहरी जुताई करेंगे ना तो वापस से हमारी मिट्टी नई हो जाएगी। और उसके बाद उसको एक बार ही जुताई नहीं करें, दो बार मोस्टली अगर आप देखें एक या दो बार तो आप करिए, 3 बार अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार जुताई कर दीजिए। और फिर भी अगर ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं मिट्टी नहीं निकली है, तो जो हल होता है, हल टाइप का हमारा जुताई करने का आता है, प्लाउ जिसे बोलते हैं, उससे आप जुताई करें तो बहुत ही बेहतर उत्पादन आता है, ठीक है। अब आती है हमारी बिजाई की बारी, मतलब कि बिजाई के बारे कि गेहूं को कब बोना चाहिए। तो गेहूं के बोने के बारे कब, टेम्परेचर से ही आप समझ जाइए, अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है उसकी जो बिजाई, मतलब कब लगाना है उसे, तो बिजाई कब होगी, अक्टूबर से नवंबर की। और फसल की अच्छी पैदावार अगर हमें चाहिए तो 20 से 22 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोनों में, कितना, 20 से 22 सेंटीमीटर का, ये आपको याद रखना है। और 15 से 18 सेंटीमीटर का अंतर किसमें होना चाहिए, उनके पौधे में, पिछली बीजी गई जो फसल है उसमें, ठीक है। अगर आप पे डिपेंड करता है आपकी खेती कितनी जल धारण क्षमता है, अगर घास ज़्यादा हो रही है तो आप उसे दूर ही रखें, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगी। तो आपको मैं बता दूँ कि 20 से 22 सेंटीमीटर अगर हम देखें
तो ये बहुत ही सही है। उसके बाद बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर बीज की गहराई होनी चाहिए। ये एक साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई अगर होगी तो ये कैसे संभव है। ये संभव भी ऐसे है कि अगर हम गहरी जुताई करेंगे ना तो ही हमारा जो गेहूँ है वो गहरा, उसकी जो बिजाई होगी वो गहरी तभी होगी जब हम गहरी जुताई करेंगे। तो सीधा कॉन्टेक्ट इसका बनता है हमारा जुताई से। अब आगे बढ़ते हैं कि बिजाई कैसे की जाए। तो सभी को पता है बहुत सारी बिजाई वाली मशीन आ चुकी है, सीड ड्रिल हो गया और रोटावेटर करके भी एक आती है जिससे समतल किया जाता है, लेकिन अभी एक ऐसा बना है जिससे हमारी बिजाई भी हो जाएगी और उसको रोटावेटर जितना बारीक कर देता है ना अपनी मिट्टी को, वैसे उसको कवर करता जाएगा। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। अभी अब बीज की मात्रा कितनी रखनी है, अब बीज की मात्रा कितनी रखनी है हमको, अगर ऐसे हम नॉर्मली सबके लिए देखें, ओवरऑल अगर सभी के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए देखें, तो 45 किलो बीज प्रति एकड़ में हमें प्रयोग करना है। 45 किलो बीज, और 45 किलो कैसे, बीज साफ होना चाहिए, कुछ मिट्टी वगैरह नहीं उसमें नहीं, 45 किलो बीज हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। और वो आपको कितने में लेना है, 1 एकड़ में लेना है। और बीज को बिना उपचार करें यूज ना करें, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ऐसे भी खेत हैं जहाँ पर हमें उत्पादन में बहुत दिक्कत पड़ती है, फंगस हो जाती है। तो उसको उपचार करने के पश्चात ही आप यूज़ करें। उपचार किससे करना है अपने को, फंगस वाले आपके पास जो से भी दवाई आपको आपके एरिया में मिल जाए, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है रेक्सिल, थायराम, वाइटावेक्स और टेब्यूकोनाजोल। ये 4 प्रकार की मुझे पता है ये यूज़ की जाती है, 2-2 ग्राम प्रति किलो जो हमारा बीज है उसके हिसाब से हम डालते हैं कि 2 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी कि 90-90 ग्राम ये डलती है 1 एकड़ के लिए। ये आपको देखना है बीज का उपचार ऐसे किया जाता है। अब खाद की बारी, तो खाद की बारी तो वो खेत पे कि हमारे खेत की जल धारण क्षमता कितनी है, उसमें कितने मिनरल्स है, तो उसके हिसाब से की जाती है। लेकिन अब नॉर्मल आंकड़ा देखें तो उसमें यूरिया, DAP, MOP और जिंक, यानी कि पोटास यूज़ करना है हमें, और DAP यूज़ करना है, यूरिया यूज़ करना है। और तत्व के लिए नॉर्मली हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये हमारे लिए इतना खाद यूज हमें को करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये करना कंपलसरी है, अगर हमारी जो भूमि है वो बहुत ही भारी खेती है और अच्छी खेती है तो इतने सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आती है हमारे खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। जो पेडी मेथलिन वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है, और अगर आपके एरिया में जो भी अच्छी दवाई है उसका आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अलग से रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों के बारे में एक वीडियो बना दूंगा, वो चाहे गेहूं से रिलेटेड हो, चने से रिलेटेड हो, या प्याज या लहसुन किसी से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। अब आती है हमारी सिंचाई के बारे में, सिंचाई कैसे की जाए। मैंने एक इसके लिए 6 सिंचाई का वो फॉर्मूला बनाया है। वैसे नॉर्मली कम, जहाँ पर कम पानी है वहाँ पर 4 सिंचाई में भी गेहूँ हो जाते हैं, लेकिन 6 सिंचाई वाला फॉर्मूला बहुत बेस्ट है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों में, दूसरी 40 से 45, फिर 60 से 65, फिर ऐसे 80 से 85, ऐसे 20-20 दिन के अंतराल में, और लास्ट वाली जो सिंचाई होती है वो थोड़ी जल्दी कर देनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए मैंने सिंचाई का बनाया है। अब अगर हम देखें आगे बढ़े कि फसल की कटाई कब की जाए, क्योंकि सिंचाई हो गई, खरपतवार नियंत्रण हो गया, रासायनिक हो गया, अब आती है हमारी कटाई की बारी। तो कटाई कब की जाए, जो हमारे जब दाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि कटाई हम जब कर रहे हैं तब वो सूख गए हो तभी करें, पूरे दाने ही सूख गए, ऐसा नहीं। हमें कटाई तब करनी है जब 25 से 30% उसमें नमी हो। हमारे जो दाने हैं उनको आप चबा कर देख सकते हो कि 25 से 30% उसमें नमी हो, उसके बाद ही हम उस तभी तुरंत हम क्या करें, फसल की कटाई करवा लें। कटाई क्यों करवा लें, क्योंकि उससे जो दाने होते हैं वो गिरेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं खेत में, उससे हमें नुकसान कम होगा। अब उसको कटाई के बाद क्या करना है, उसे निकालना है। तो निकालना कब है, 10 से 12% उसके अंदर नमी रहनी चाहिए, उसके बाद सीधा धूप में सुखाने के बाद आप उसको निकाल लीजिए और उसको सीधा धूप में सुखा दीजिए, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 से 12% नमी मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ज़्यादा ही सूखा होगा तो उसको उठाने में वो निकल जाएगा, दाने निकल जाएंगे, गिर जाएंगे, नुकसान हमें ही होना है। तो 10 से 15% बहुत ही बेस्ट माना गया है, और उसको उसके बाद बिना कुछ देरी के उसको आप धूप में सुखा सकते हैं। और यही थी हमारी आज की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई देसी खाद है, जैविक उर्वरक है, तो उनका यूज़ भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।